हेलो एवरीवन, टुडे इज हिंदी क्लास। योर हिंदी टीचर रेखा शर्मा, क्लास 7, हिंदी व्याकरण। संधि ज्वेनी क्या होती है बेटा? संधि दो वर्णों के पारस्परिक मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब विकार मीन्स उसका टूट जाना, टूट जाना ही संधि कहलाता है। अब टूट के उसको बनाना, ये ज्वाइनिंग मीन्स संधि कहलाती। जैसे देव प्लस इंद्र देवेंद्र, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, हिम प्लस आले हिमालय, संगीत प्लस आले संगीतालय। इस प्रकार से हम संधि को तैयार करेंगे। क्लास 6 में भी आपने पढ़ा है कि क्या है संधि। इस प्रकार से संधि तैयार की जाती है। संधि के प्रकार भी 3 प्रकार के बताए गए हैं, जैसे स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। ये था मतलब रैंडमली एक प्रकार। बताइए संधि किस किस प्रकार की होती है? हम एग्जाम में आंसर करेंगे। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। क्लियर? दो वर्णों का पारस्परिक मेल ही संधि कहलाता है। एग्जाम में इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, आप यही करके आएंगे। इसी का परिवर्तन संधि कहलाता है। किसका? दो वर्णों का। क्लियर? जैसे हिम प्लस आले हिमालय, इंद्र प्लस देव इंद्र देव। तो इसी प्रकार से हम ये दो परिवर्तन करके देख सकते हैं। आगे देखिए, आप अपनी क्लास 7 बुक हिंदी व्याकरण में चैप्टर 4 ओपन करके बैठेंगे, संधि। अब स्वर संधि के भी यहाँ पर 5 प्रकार बताए गए। कौन कौन से हैं स्वर संधि के? 5 प्रकार है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। हम पहली संधि देखेंगे सभी, दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि में क्या होता है? अ प्लस अ का आ हो जाता है। जब हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे तो अ प्लस अ का क्या बन जाता है? आ बन जाता है। जैसे कृष्ण प्लस अवतार, कृष्ण अण में अ है, अभी अ है, तो ये दोनों मिलकर के इस संधि में आ का रूप ले लेता है। कैसे? कृष्ण अवतार। जब कृष्ण प्लस अवतार के साथ हम आ का प्रयोग करेंगे तो इसकी संधि बन जाएगी कृष्ण अवतार। क्लियर? ऐसे ही आ प्लस आ का मेल भी इसी संधि में मिलेगा। किस प्रकार से? जैसे भोजन प्लस आले, भोजन प्लस आले तो भोजनालय। अब पहला शब्द अगर आ है और दूसरा शब्द आ जाता है वो भी दीर्घ संधि कहलाएगी। ओ प्लस अ ये भी आ बन जाता है। जैसे सीमा प्लस अंत सीमांत, विद्या प्लस आले विद्यालय, आ प्लस आ भी बड़ा आ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये दीर्घ संधि है। एक शब्द एक वर्ण से दूसरा वर्ण तैयार होके वो दीर्घ मिस बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से ई प्लस ई बड़ी ई हो जाती है। अगर छोटी ई है और बड़ी ई है तो वो कौन सा रूप ले लेगी संधि का? बड़ा ई रूप ले लेगी। जैसे गिरीश प्लस इंद्र, दोनों में छोटी की मात्रा है। क्लियर? तो ये गिरेंद्र हो जाएगा। र में छोटी ई की मात्रा नहीं आके बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। तो गिरी प्लस इंद्र गिरेंद्र, कवि प्लस इंद्र कविंद्र। ऐसे ही छोटी ई और बड़ी ई बड़ी ई का रूप ले लेता है। कैसे? जैसे रवि प्लस ईश, रवि में छोटी की मात्रा लगी है और ईश जो भगवान के लिए बोला गया ईश उसमें बड़ी ई की मात्रा आती है। जैसे रवि प्लस इंद्र रविंद्र, रवि प्लस ईश रवीश, कवि प्लस ईश कवीश। ऐसे बड़ी ई और बड़ी ई का रूप भी बड़ी ई में ही तैयार होगा। किस प्रकार से? जैसे नदी, नदी को हम कौन सी मात्रा में लेंगे? बड़ी ई की मात्रा में। ईश ईश बड़ी ई की मात्रा ही है, तो नदी प्लस ईश नदीश, ये भी दीर्घ संधि का प्रकार हो जाता है। आगे देखिए बेटा गुण संधि। अब गुण संधि में क्या प्रकार बताया? जैसे जब आ अथवा आ का आ संयोग ई और ई में हो जाता है तो वो बी और बड़ा उ और ऋषि से होता है। तो क्रमशः ए और ओ अर हो जाता है। किस प्रकार? जैसे गण प्लस इंद्र गणेंद्र,
देव प्लस इंद्र देवेंद्र, गण प्लस ईश गणेश, लोक प्लस ईश लोकेश। इसी प्रकार से आप अपने पेज नंबर 32-33 पे आप स्वर संधि के प्रकार देख सकते हैं। वृद्धि संधि हो गया, यण संधि हो गया, अयादि संधि हो गया। तो ये थे स्वर संधि के प्रकार। अब देखिए बेटा दूसरी व्यंजन संधि। व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे हम कौन सी संधि कहते हैं? व्यंजन संधि। जगत प्लस ईश जगदीश, परि प्लस छेद परिच्छेद, क्योंकि इसमें ई प्लस छ स्वर और व्यंजन का आना ये व्यंजन संधि कहलाई गई। व्यंजन संधि के नियम भी बेटा पेज नंबर 34 और 35 पे दिए हुए, आप इसको प्लीज एक बार रीड करें और लर्न करें। ऐसे लास्ट संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की डेफिनेशन आप एग्जाम में क्या लिखेंगे, जैसे विसर्ग के बाद उस स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम कौन सी संधि कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का मतलब है बिछड़ जाना। यह जैसे इसके प्रकार देखना, अभिलाषी यश प्लस अभिलाषी यशोभिलाषी, अध प्लस गति अधोगति। अब इसमें अध अहं की मात्रा आ गई वो गायब हो जाती है, उसका विसर्ग में निकल जाती है वो। तो अधोगति सरोज यशोदा मनोनीत तपोबल इत्यादि इस प्रकार के शब्द विसर्ग संधि में आते हैं। कई प्रकार के शब्द आप भूल जाते हैं, जैसे मनोहर ये शब्द कहाँ आएगा? ये विसर्ग संधि में आएगा। कैसे? मन प्लस हर मनोहर। अगर इस प्रकार के शब्द आपके एग्जाम में आते हैं तो वो विसर्ग संधि ही कहलाएगी, गलत नहीं करना है। आगे देखिए इसके हिंदी की संधियां कुछ इस प्रकार है, जैसे कब प्लस ही कभी, हाथ प्लस कड़ी हथकड़ी, कान प्लस कटा कन कटा, गांव प्लस आर गवार, मामा प्लस एरा ममेरा। तो पेज नंबर 38 और 39 में आपका बुक वर्क है, एक बार प्लीज इसको एक्सप्लेन करें और समझें। ये थी आपकी संधि।